हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यासपीठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैलरी का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज परक्यूजिट्स, अनुलाभ। व्हाट इज परक्यूजिट्स? परक्यूजिट्स क्या होते हैं? जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है फॉर एक्सपेंसेस, वैसे ही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज देता है। उन फैसिलिटीज को हम क्या कहते हैं? परक्यूजिट्स कहते हैं। जैसे रहने के लिए मकान दिया, कार चलाने के लिए और मेडिकल फैसिलिटी दी, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, और स्वीपर, गार्डनर, सर्वेंट, ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परक्यूजिट्स कहते हैं। और ये परक्यूजिट्स जो होती हैं, इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। अगर वो वस्तु देता है, जैसे रहने के लिए मकान दिया, चलाने के लिए कार दी, तो उसे हम क्या कहते हैं? काइंड में कहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के क्लब और होटल बिल का पेमेंट करता है, तो इसे हम कैश में कहते हैं। अलाउंसेस और परक्यूजिट में ये डिफरेंस होता है कि अलाउंसेस जो होता है वो एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी में ऐड करके दिया जाता है, जबकि परक्यूजिट्स का डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स जो होते हैं वो तीन तरह की होती है। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी के लिए टैक्सेबल, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सबके लिए टैक्सेबल होंगी। टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही ये परक्यूजिट्स जो हैं वो टैक्सेबल होंगी। अगर वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड नहीं है तो उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होती हैं। और टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी के लिए टैक्स फ्री है, मीन्स ये उसकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा, उसकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो होगा वैल्यूएशन। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कौन कौन सी परक्यूजिट्स होती हैं जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती हैं, कौन सी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होती हैं और कौन सी टैक्स फ्री होती हैं, और उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि पहले टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, ऐसी कौन कौन सी परक्यूजिट्स हैं जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती हैं। सबसे पहला, रेंट फ्री एकोमोडेशन और रेंट फ्री हाउस। सेकंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज क्लब और होटल बिल। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्लब और होटल बिल का पेमेंट करता है तो वो सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा। पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी लोन ड्यू टू एम्प्लॉय। अगर किसी भी एम्प्लॉय का लोन ड्यू है और वो पेमेंट अगर किसने किया है, एम्प्लॉयर ने किया है, तो वो सभी के लिए टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। अगर इनकम टैक्स ड्यू जो होता है एम्प्लॉय की सैलरी पे, वो एम्प्लॉयर पे कर देता है तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट होगा, लेकिन अगर परक्यूजिट्स के ऊपर वो टैक्स पे करता है तो इट विल बी एग्जेम्प्टेड। एंड एनी अदर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, इट विल बी टैक्सेबल। लीगल एक्सपेंसेस टू सेव एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए कोई लीगल एक्सपेंसेस पे करता है, वो भी इस हेड में टैक्सेबल होता है परक्यूजिट्स के अंदर। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, चाहे एम्प्लॉय की हो चाहे उसकी फैमिली मेंबर की हो, वो भी टैक्सेबल होता है फॉर ऑल एम्प्लॉयज। देन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या शेयर्स ट्रांसफर कर दे तो भी वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। और कुछ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है, फ्री फूड खाने की सुविधा देता है, उपहार देता है, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स, कोई मूवेबल एसेट्स है जैसे कार है या जैसे रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, इनको यूज़ करने के लिए देता है तो भी वो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स, एक कार थी एम्प्लॉयर के पास, उसने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दी, मतलब बेच दी, तो वो भी उसके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए। एनी अदर बेनिफिट और एम्यूनिटी, कोई भी अदर बेनिफिट्स जो होती हैं लाभ या अनुलाभ, वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता कौन है, हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऐसा एम्प्लॉय जो इन तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करे, इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करे, या तो वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, कंपनी का डायरेक्टर भी है और एम्प्लॉय भी है, हैविंग मोर देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर, जिसके पास उसी कंपनी के 20% से ज़्यादा के क्षमतांश, मतलब मताधिकार हो,
और जिसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। मॉनेटरी सैलरी में बेसिक सैलरी, मॉनेटरी सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। इन सबको जोड़ने के बाद जो उसका मॉनेटरी मतलब कैश में, अगर उसकी पूरे साल की सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन सी परक्यूजिट्स टैक्सेबल होती हैं? सबसे पहली स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, सर्वेंट, इसकी फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार एंड एजुकेशन फैसिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में आपके ये चार फैसिलिटीज आती हैं तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो एम्प्लॉय है उस क्वेश्चन में वो स्पेसिफाइड है या नहीं है। और स्पेसिफाइड के लिए आपको क्या देखना है, वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, जिसके पास 20% से ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स हो और जिसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी के लिए टैक्स फ्री होंगी। वो कौन कौन सी परक्यूजिट्स होंगी, मेडिकल बेनिफिट्स, एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड इन वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे वो ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी देता है एम्प्लॉयर तो वो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्यूजिट, अनुलाभ पर चुकाया गया कर, वो भी एग्जेम्प्टेड माना जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर अगर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, जैसे साइट पे जाके बहुत से एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है, वहाँ पर अगर कोई एकोमोडेशन देता है एम्प्लॉयर तो वो एग्जेम्प्ट होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और रिफ्रेशर कोर्स के लिए, वो सारे रिफ्रेशर मतलब आगे पढ़ने के लिए ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके। स्कॉलरशिप अगर वो देता है एम्प्लॉय को या उसके बच्चों को तो वो भी टैक्स फ्री कैटेगरी में माना जाता है। और लीव ट्रैवल कंसेशन, ये भी टैक्स फ्री कैटेगरी में आएगा। तो ये था हमारा परक्यूजिट के बारे में कि परक्यूजिट्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। अब इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया गया होगा, इनका नाम दिया गया होगा, इसको एक रेंट फ्री हाउस दिया गया, इसको एक कार दी गई, तो इनकी वैल्यू करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स। थैंक यू सो मच।